मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहान इंतकाल कर गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख खलीफा बिन जायद अल नहान के इंतकाल पर 40 रोज़ के शोक के साथ 3 रोज़ की आम तातील भी होगी। इस दौरान कौमी परचम सर निगों रहेगा। शेख खलीफा बिन जायद अल नहान 3 नवंबर 2004 से मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्मरान थे। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर के इंतकाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो और दीगर सियासी रहनुमाओं ने इजहार ताज़ियत किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत पाक आर्मी के तमाम रैंक्स का मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान एक अजीम दोस्त से महरूम हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में लंदन जाने वाले वफद के क़याम में एक दिन की तौसी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक वफद आज भी पार्टी के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्की मामलात पर मशावरत करेगा। पंजाब काबीना की तश्कील से मुतल्लिक मामलात कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने अपने हाथ में ले लिए। इत्तहादी जमातों के साथ पावर शेयरिंग फार्मूले पर हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खारियां फार्मेशन का दौरा, जंगी मशकों का जायज़ा लिया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खारिया में सेंट्रल कमांड की स्ट्राइक फार्मेशन की मनसूबाबंदी के अमल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लिया। वॉर गेम्स का मकसद फॉर्मेशन के मंसूबों की मजीद बेहतरी था। आर्मी चीफ ने फील्ड मुजाहरे का भी मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील नौ की मंजूरी दे दी। मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 153 के तहत दी गई। वज़ीर आज़म मुश्तरका मफादात कौंसिल के सरबराह, चारों सूबों के वज़राए आला और 3 नामजद वफाकी वज़रा भी कौंसिल का हिस्सा होंगे। तहरीक इंसाफ का आज मर्दान में जलसा, इमरान खान खिताब करेंगे। इमरान खान की जानिब से ट्विटर पर एक बार फिर न्यूट्रल्स का जिक्र, कहा न्यूट्रल्स को खबरदार किया था अगर साजिश कामयाब हुई तो माशी बहाली दम तोड़ जाएगी। मार्केट को इस वक्त पॉलिसी और एक्शन का इंतज़ार है जिसे इंपोर्टेड हुकूमत फराहम करने में नाकाम रही है। इमरान खान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि डॉलर 193 का हो गया, स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स तक नीचे जा पहुँची, महंगाई 13.4% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने ट्विटर पर जारी एक पैगाम में कहा कि झूठे और मुल्क का खून चूसने वाले लोग असम्बलियों से इस्तीफे ऐसे देकर गए थे जैसे कभी वापस नहीं आएंगे, मगर इनके तमाम असूल पैसा देखकर हवा हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि नोट और मराद देखकर इमरान और PTI की राल टपकने लगती है, किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं, मुल्क बर्बाद करने की या आइन तोड़ने की। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह का कहना है कि आइंदा आर्मी चीफ का फैसला मौजूदा हुकूमत ही करेगी। एक इंटरव्यू में खुर्शीद शाह ने कहा कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत रवां बरस नवंबर में पूरी हो रही है। नए आर्मी चीफ के हवाले से अभी मशावरत नहीं हुई, इस हवाले से जून के बाद बात होगी। साबिक वज़ीर दाखला शेख रशीद का कहना है कि DG ISPR का बयान फ़ौज की अंदर की सोचों की तर्जुमानी करता है। छठी मरतबा DG ISPR ने कहा है कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटें। शेख रशीद का कहना था कि एक ही हल है, अबूरी हुकूमत बनाई जाए और इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन ना करवाए गए तो मुल्क में श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो को एक वज़ीर मार्शल ला की धमकी देता है जो एक भोंडा मजाक है। कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस हैदराबाद के करीब हादसे का शिकार, ट्रेन इंजन और 4 बोगियाँ पटरी से उतर गईं। तर्जुमान ईदी के मुताबिक रहमान बाबा ट्रेन हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तानी रुपए की गिरावट का सिलसिला रुक ना सका, इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए से जायद इजाफे के बाद 193 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 193 रुपए 15 पैसे पर फरोख्त हुआ। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंदतरीन सतह पर, आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा अदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क भर में सोने की फ़ी तोला कीमत 300 रुपये इजाफे के बाद 1,36,000 रुपये हो गई। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का रिटायरमेंट का ऐलान, समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में बॉक्सर आमिर खान ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। आमिर खान ने कहा कि मुझे अपने 27 साल बॉक्सिंग करियर पर फख्र है। बॉक्सर आमिर खान ने अपने बॉक्सिंग करियर में 34 फाइट्स जीतीं जबकि 6 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी की लहर, सिब्बी और डेरा गाजी खान में पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड,
महकमा मौसमियात के मुताबिक लाड़काना में पारा 46, सक्खर और मुल्तान 44, फैसलाबाद, सरगोधा और झंग में 43 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर 16 मई तक बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। गर्मी के साथ लोड शेडिंग भी बढ़ गई। मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे।